Classes, मैं हूं और आज के इस वीडियो में हम अपने इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे जो कि सीबीएसई का सैंपल पेपर है लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और मेरे साथ गाइज इसे आप पढ़ सकते हो समझ सकते हो सो so, स्टार्ट करते हैं गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने डाउट मेरे साथ शेयर करो ताकि उन पर मैं वीडियोस बना सकूं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ से स्टार्ट करते हैं इलेवन तक हमारे हो चुके थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम है तो ध्यान से समझना है ठीक है

वो पता लगाते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में तो थर्ड होगा फोर्थ इन्होंने बोला नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन तो काफ़ी स्टूडेंट इसे क्लिक कर रहे हैं जो कि गलत है गाइस थर्ड ऑप्शन होगा क्योंकि डिफरेंट ऑक्यूपेशन वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उसे का तो सी ऑप्शन होगा जिसमें हम सेक्टर में पता लगाते हैं थर्टींथ नंबर क्वेश्चन क्या है गाइज डैश डैश यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है इज ब्लैक् पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट मतलब किसे कहते हैं गाइज उन्होंने बोला है डैश इज दी प्रपोजन जब हमारे फार्मर्स अपने लिए जितना प्रोडक्शन है करने के बाद मार्केट में अगर कोई चीज़ बेचने के लिए जाते हैं तो उसे मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है क्या कहा जाता है मार्केटेबल सरप्लस तो इसमें बी ऑप्शन जो है मार्केटेबल सरप्लस वो करेक्ट होगा ट्रेड नहीं है प्रोड्यूसर नहीं है कंज्यूमर नहीं है मार्केटेबल सरप्लस प्लस फोर्टीन क्वेश्चन गाइज जो कि एजर्शन एंड रीजनिंग का है नहीं एजर्शन रीजनिंग का नहीं है स्टेटमेंट वन एंड टू है बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है पहली स्टेटमेंट इन्होंने बोली पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ मोनेट्री वैल्यू ऑफ़ द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे यानी कि क्या बोल गए ये लोग इन्होंने बोला कि जो पॉवर्टी लाइन होती है वो मोनिट्री वैल्यू में दर्शाई जाती है कि हम लोग कितनी कैलरीज इनटेक कर रहे हैं एक दिन में बिल्कुल गाइज़ इसमें दर्शाई जाती है तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है हमारा आपको पता है कि मॉनेटरी वैल्यू कितनी है इस समय रूलर की अलग है अर्बन की अलग है रूरल एरिया में आठ सौ रुपये है अर्बन एरियाज़ में हज़ार रुपये है दूसरी चीज़ आपका पॉवर्टी लाइन जो हम लोग ये डिसाइड करते हैं गाइज़ ये तो कैलरीज कितनी होनी चाहिए 2400 कैलोरीज जो है वो रूरल एरिया में होनी चाहिए एंड 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया की होती है ठीक है तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है तो इसे याद रखना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू थी कि पॉवर्टी को हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं सेकेंड जो स्टेटमेंट है इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर नहीं भाई ये गलत है हमारे एक टाइम के बाद मॉनेटरी वैल्यू चेंज होती है आज इतनी महंगाई है तो उनको आठ सौ सो सोलह रुपये अगर मैं महीने के अपने खाने पे खर्च करती हूँ इट्स नॉट इनफ आठ सौ सोलह रुपए में कुछ भी नहीं आता तो मॉनेटरी वैल्यू समय के साथ चेंज होती है तो स्टेटमेंट इज 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 फॉल्स फॉल्स तो तो अगर ऑप्शन 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 देखें सी जो है स्टेटमेंट स्टेटमेंट ट्रू एंड वो होगा सेन क्वेश्चन नंबर क्या है इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग हब ऑफ वर्ल्ड इसमें भी स्टेटमेंट वन दे रखी है कि इंडिया को गाइज आउटसोर्सिंग हब कहा जाता है वर्ल्ड का जो कि करेक्ट है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे बाहर के कंपनीज uh, अपने काम यहाँ से कस्टमर केयर सर्विसेज सेंटर कॉल सेंटर्स इंडिया से चला रही हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट वो, वो क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन बाई इंडिया एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो इंडिया के पास क्योंकि स्किल्ड मैन पावर है और वो सस्ती है इसीलिए इसमें सस्ता वर्ड इन्होंने इंक्लूड नहीं किया बट क्योंकि हमारे यहाँ पे सस्ता पड़ता है उनको तो स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है तो स्टेटमेंट वन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू ऑप्शन होगा सिक्सटीन क्वेश्चन गाइस ये बोलते हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 इंडिया वॉज प्राइमली डिपेंड ऑन जब ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट नहीं हुआ था तो इंडिया किस पर डिपेंड था फॉर दी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन तो आंख बंद करके यूएसए था गाइस यूएसए पर हम लोग डिपेंड थे तो ए ऑप्शन जो है यूएसए इंडिया यूएसए पर डिपेंड था फूड ग्रेन के मामले में उसके बाद क्वेश्चन 17 है गाइस जिसमें आपको करेक्ट कॉलम को चूज करना है यानी कि उन्होंने ए का फर्स्ट दे रखा है बी का सेकेंड हमें देखना है कि कौन सा कॉलम में सही बात अपोजिट में लिखी है उन्होंने बोला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उसके सामने लिखा एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इम्पोर्ट तो गलत है वो उसको सही से डिफाइन नहीं कर रहा ट्रेड सरप्लस एंड एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम जो कि गलत है ट्रेड में हमारे गुड्स आते हैं थर्ड है करेंट ट्रांसफ़र टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज पॉजिटिव नो अगर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को पैसा भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव आइटम होगा हमारी तरफ से पैसा जाएगा डी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और उसके अपोजिट कहा गया है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर येस इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में गाइज हम लोग बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शेयर्स वगैरह में ठीक है तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 18 गाइस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे हम नबार्ड कहते हैं वो 1982 में सेट हुआ था डैश बॉडी टू कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम तो उसे कौन सी बॉडी कहते हैं एपेक्स बॉडी कहते हैं ठीक है चाहे आपका नबार्ड हो चाहे आपका आर बी आई हो अपेक्स बॉडी में आता है एपेक्स मीन्स क्या होता है गाइज मेन बॉडी सर्वोच्च सबसे ऊपर तो उसे वो कहा जाता है तो बाकी जो ऑप्शन है वो गलत होंगे कोऑपरेटिव माइक्रो प्राइवेट क्रेडिट बी ऑप्शन जो है एपेक्स वो राइट होगा नाइनटीन क्वेश्चन क्या है गाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो कि विद कोवैक्सीन या कोविशील्ड इन्होंने लिखा है विदाउट एनी चार्ज ठीक है uh, इंडिया में गवर्नमेंट हमारी वैक्सीन लगा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को तो इसे किस कैटेगरी में हम लिखेंगे रेवेन्यू नेचर इनकम है कैपिटल नेचर देखो सबसे पहली बात तो ये इनकम नहीं है एक्सपेंडिचर है तो हम इनकम वाले ऑप्शंस को कट ही कर देते हैं अब कौन सा एक्सपेंडिचर है ये इंडिया के लिए कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर तो ये रेवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर एक्सपेंस वो होते हैं जिससे या तो हमारी कोई लाइबिलिटी बनती है या फिर हमारा कोई एसेट कम होता है नहीं हमारे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं जिसमें या फिर हम लोग कोई खर्चा करें या एसेट खरीदे या अपनी लाइबलिटी को रीपे कर दे तो हमारे पास से पैसा जाता है और हमारा खर्चा जो है एसेट में चेंज लेके आएगा या लाइबलिटी में बट किसी को वैक्सीन लगाने में ना तो हमारा कोई एसेट चेंज हो रहा ना लाइबलिटी चेंज हो रही है तो ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है गाइस डैश इज नॉट द रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया कौन सा रीज़न नहीं है पॉवर्टी का इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा रीजन है सेकंड राइज इन पर कैपिटा जीडीपी यस अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो उसे हमारी गरीबी का रिलेशन नहीं है गरीबी बल्कि कमी होगी अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो बी जो है ये इन्होंने सही ऑप्शन नहीं दिया तो बी होगा ट्वेंटी वन क्वेश्चन हाइपोथेटिकल इकॉनमी मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिटेड हंड्रेड इन द बैंक इफ इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकॉनमी देन द टोटल मनी सप्लाइन द इकोनमी विल बी देन ऑप्शन दे रखे आपको जीरो हंड्रेड नॉटिफाइंड वन ट्वेंटी देखो हमें यहाँ पर सौ के अलावा कोई और अधर टर्म नहीं दे रखी लाइक like कितना अगर बैंक है बैंक कितना अपने पास रख रहा है या सर्कुलेट कर रहा है कुछ भी नहीं बोला तो यानी कि जो भी हंड्रेड रुपीज उसने बैंक में डिपॉजिट करें वही सिर्फ सर्कुलेशन में है मनी तो आंसर क्या होगा बी हंड्रेड ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इंडिपेंडेंस इंडिया हैजनेस अ कंसिडरेबल फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता है जो छोटे बच्चे एक साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ होती है वो बहुत कम हो गई ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पर इंडिया में छोटे बच्चों के मरने की संख्या कम हो गई जो कि बहुत अच्छी बात है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी वन ऑफ द रीजन क्या इसमें से रीजन नहीं है इसका इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी ओवर दर तो ये तो रीज़न है भाई हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है तभी ये पॉसिबल हो पाया है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड ये भी है थर्ड ऑप्शन इन्होंने बोला फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया इसकी वजह से बच्चे मरने कम हो गए तो ये जो सी ऑप्शन है ये बड़ा अटपटा और गलत है जो कि गलत है तो सी ऑप्शन है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड है गाइज जो कि स्टेटमेंट वाला है अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट जो इन्होंने दी सब्सिडीज़ डू नॉट एड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है लोगों को बिजनेस को तो उसे कहते हैं उस आ, कोई बर्डन नहीं आता किसके ऊपर नेशन के ऊपर फाइनेंशियल तौ, तौर पर तो क्या गलत है अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है तो गवर्नमेंट को भी इसका हर भुगतना बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ से कॉस्ट लगती है उस चीज़ की तो स्टेटमेंट वन तो गलत है स्टेटमेंट टू क्या कहता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़ में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम येस सब्सिडीज अगर हटा दी गई तो गरीब लोगों को जो सब्सिडीज मिल रही है वो और गरीब हो जाएंगे तो इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा गड़बड़ा जाएगा तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट तो डी ऑप्शन जो है स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट वन इज़ फॉल्स वो सही होगा ठीक है सो आई होप गाइज ट्वेंटी थर्ड तक हमने क्वेश्चन करें आपको समझ आए होंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे थैंक यू